विजडम जॉब्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद। आज मैं जी के करंट अफेयर्स डील कर रहा हूँ। आज कल के जो अखबार है उसको सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर के रूप में देने वाला हूँ। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तो हमें एक डिस्कशन के चर्चा के रूप में हम डिस्कस करेंगे। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट कंडक्टेड ए सेंसस एट चिल्का लेक टू काउंट द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स एट गहिरमाता मरीन सैंक्चुअरी in Odisha, right? The sanctuary is a part of Bhitarkanika National Park of Odisha. The report was released in February 24th, 2020. February 24, 2020 में जो रिपोर्ट आया उसके हिसाब से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, भारत का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ओडिशा का, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ओडिशा स्टेट, ओडिशा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अटवी शाखा कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ओडिशा का एक सर्वे कंडक्ट किया, एक सेंसस मतलब एक ये डॉल्फिन्स कितने हैं और वहाँ पर टर्टल्स कितने हैं, इसके बारे में एक सेंसस गिनती हुई, एक सेंसस कंडक्ट किया एट चिल्का लेक। चिल्का लेक हो गया ओडिशा में, एट चिल्का लेक टू काउंट द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स एट गहिरमाता मरीन सैंक्चुअरी इन ओडिशा। गहिर माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफिकल नॉलेज रिगार्डिंग दिस, और ज्योग्राफी से सवाल बनता है, एक गहिर माता बीच कहाँ पर है, गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी कहाँ पर है, गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी है ओडिशा में, और ये ओडिशा में गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी डॉल्फिन्स के लिए फेमस है, और ये गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी और चिल्का लेक टू काउंट द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स एट गहिर माता सैंक्चुअरी, गहिर माता सैंक्चुअरी में नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कितने हैं इसका काउंट हुआ, और द सैंक्चुअरी इज अ पार्ट ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैंक्चुअरी, कौन सा सैंक्चुअरी, गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी जो है ये किसके अंडर में होता है, कौन सा नेशनल पार्क के अंदर आता है, भितरकनिका, राइट, भितरकनिका, दिस सैंक्चुअरी इज अ पार्ट ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा। द रिपोर्ट वॉज रिलीज इन February 24, 2020, ये 24 फरवरी 2020 को इसका रिपोर्ट आया है, राइट। यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये तो गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी तो ओडिशा का है, यहाँ पर जो डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स कितने हैं, और ये डॉल्फिन्स कम होते जा रहे हैं, डॉल्फिन्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्यों ये डॉल्फिन्स कम होते जा रहे हैं, यहाँ का जो एकोलॉजिकल बैलेंस कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है ये गहिर माता मरीन बीच का, और यहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, इसके बारे में जानकारी के लिए इस रिपोर्ट ने बनाया कि ओडिशा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, राइट, ये जो चीज़ इकोसिस्टम को सुधारने के लिए और इकोसिस्टम में कुछ पुरोगति लाने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी जंतु जीव जाल है, जैसे डॉल्फिन्स हो, टर्टल्स यानी टर्टल्स हो, और कई रकम के जो समंदर के जो नई जातियां हैं, और उन जातियां को संरक्षण करना ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और मेनली और एनवायरमेंटल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और वो काम कर रहे हैं, वो इनके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पर साफ सुथरा ये नज़र आ रहा है डॉल्फिन्स की संरक्षण करने के लिए ये गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी जो है ओडिशा की, यहाँ पर उनका जो सेंसस है उन सेंसस को गिनती करना पड़ा, राइट, वो सेंसस को रिकॉर्ड करना पड़ा, रिपोर्ट करना पड़ा। और एक जो चीज हो गई आप याद रखने का कि ये गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी है ये तो भितरकनिका नेशनल पार्क का एक हिस्सा हो गया, और ये गहिर माता मरीन सैंक्चुअरी में टर्टल्स होते हैं, ये टर्टल्स का जाति हो गया रिडले टर्टल्स, ये रिडले टर्टल्स भारत के सिर्फ एक ही जगह इनका जो जीवन आधार होता है वो हो गया, आवास हो गया उनका गहिर माता मरीन बीच, यहाँ पर रिडले नाम का, रिडले जाति का एक टर्टल्स होता है, रिडले टर्टल्स लाइव हियर। हमारे जो वीडियोस देख रहे हो और हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जो चैनल है विजडम जॉब्स उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।